हे दिस इज़ मोहिज, यू आर वॉचिंग गूगल बॉलीवुड। बॉलीवुड इंडस्ट्री में हर हफ्ते कोई ना कोई मूवी रिलीज होती रहती है और मूवी के क्लैश के कारण ऑडियंस सोचने पर मजबूर हो जाती है कि कौन सी मूवी देखें और कौन सी मूवी ना देखें। रिसेंट में दो बड़ी मूवीज रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त को सारे सिनेमास में रिलीज होने जा रही। दोनों ही मूवीज के ट्रेलर को ऑडियंस काफी प्यार दे रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, दोनों ही मूवीज में दिग्गज कलाकार देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान और करीना कपूर और दूसरी ही तरफ रक्षाबंधन में अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर। इन दोनों ही मूवीज का बजट काफी हाई रहा है। रक्षाबंधन जो कि कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जहां एक भाई अपनी बहन की शादी के लिए स्ट्रगल करता है, वहीं दूसरी तरफ लाल सिंह चड्ढा में रोमांटिक ड्रामा कॉमेडी से भरपूर देखने को मिल रहा है। लाल सिंह चड्ढा मूवी में बताया गया है कि कैसे एक मेंटली हेल्थ लड़का अपनी सिचुएशन को झेलता है। अगर बात की जाए बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार की, उनकी मूवीज साल भर में आती ही रहती है। रिसेंट में रिलीज हुई पृथ्वीराज चौहान ऑडियंस को इतना इम्प्रेस नहीं कर पाई। अब देखना यह होगा कि ऑडियंस को ये मूवी पसंद आती है कि नहीं। अगर आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा की बात की जाए तो उसने रिलीजिंग से पहले 160 करोड़ कमा लिए। आप इन दोनों मूवीज में से कौन सी मूवी देखने के लिए एक्साइटेड हैं? हमें फीडबैक में जरूर बताएं और ऐसे ही बॉलीवुड अपडेट्स के लिए देखते रहें गूगल बॉलीवुड।